तो अरे यार, क्या हाल चाल। आज को हम एक और वीडियो लेके, और गाइज आज के वीडियो में हम कुछ बात बताने वाले हैं तुमको पिछले वीडियो से रिलेटेड। तो देखो यार, पिछले वीडियो मैंने तुमको कहा था कि पबजी मोबाइल जो है एक चाइनीज ऐप है, चाइनीज वर्जन है, चाइनीज गेम है, जिसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये 100% ऐसा है कि चाइनीज है। तो देखो यार, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि जो पबजी मोबाइल है वो चाइनीज के द्वारा ही डेवलप किया गया है और चाइनीज कंपनी ही उसे होस्ट करती है, लॉन्च करती है अपने इंडिया में। ग्लोबली लॉन्च उसको चाइनीज ने ही कराया और चाइनीज वालों का ही वो है। अब देखो, बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि 10% जो है चाइना वालों को मिलता है पबजी मोबाइल के जो भी इनकम होता है, ये रॉयल पास वगैरह का, यूसी वगैरह का। हाँ, ये बात भी सच है कि उन्हें 10% ही मिलता है। अब पता नहीं उनका किस हिसाब से डीलिंग है, मतलब चाइना वालों को और कोरिया वालों को, कि वो किस हिसाब से पैसों का क्या करते हो, वो मुझे नहीं पता। बट इतना तो मुझे पता है कि ये जो गेम है, अभी तुम सोच रहे होंगे भाई तुझे कैसे पता, तुझे कहाँ देखा तूने जी। तो देखो, एक बंदा है जिसका 7 मिलियन+ सब्सक्राइबर, मनोज सारू, जानते होंगे तुम, उसके चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी ज्ञान, जिसने अब से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पबजी मोबाइल किस देश का है। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो एक काम कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि पबजी मोबाइल किस देश का है, बाद में उसमें मनोज सारू लगा देना, दो तुम लिख रहे हो टाइप करके उसी में, तो सर्च में वो वीडियो आ जाएगा, उसे तुम देख लेना। उसमें तुम्हें स्पष्ट पता चल जाएगा कि पबजी मोबाइल जो है एक, मतलब इसको डेवलप करने वाले भी चाइनीज ही है और चाइनीज कंपनी ही इसको लॉन्च करती है। तो देखो यार, ये उस बंदे ने आराम से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने ये भी कहा है कि हम 100% इसको चाइनीज नहीं बोल सकते, एक तरह से ये कोरियन भी है। लेकिन कोरिया का पूरा ये है कि कोरिया का उसके पूछे पूरा टेक्नोलॉजी है, कोरिया ने ही इसका जो स्ट्रक्चर है बनाया है, बस चाइनीज वालों ने इसे कॉपी करा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, कॉपी करके पबजी मोबाइल को बनाया और पबजी मोबाइल को ग्लोबली लॉन्च करा, तो ये तो चाइनीज वालों का ही है, इसमें कोरियन वालों का कुछ नहीं। भाई उस वीडियो को जाके तुम देख लोगे तो तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है, उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि ये चाइनीज है। अब मैं ये नहीं कहता कि भैया ये बैन हो ही जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर ऐसा होता है कि ये चाइनीज है तो ये डेफिनेटली बैन होने वाला है, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन इतना दिमाग तो सब लोगों में, तुम में भी है कि भाई अगर रियलिटी में यही है कि इंडिया को ये चीज़, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ का पता ही होगा। देखो हम तो, मैं तो ये मानता हूँ पता होगा कि अगर पबजी मोबाइल जो है इसको बनाया है भाई उन्होंने, चाइनीज वालों ने, डेवलपर भी वही है, लॉन्च करने वाले भी वही है, तो सिंपल सी बात है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो पक्का बैन ही होगा ना फिर तो। और अगर नहीं होता है तो देखो अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो तुम समझ सकते हो। हालांकि बैकग्राउंड में जो गेम चल रहा है इसका नाम वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ अभी, लेकिन उससे पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि यार उस वीडियो को देख लो, और भी बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि ये जो दोनों का डिफरेंस है, उस बंदे ने सबसे ईजी समझाया था, उसे जैसे ही उस वीडियो को तुम देखोगे सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं भी ये कहता हूँ कि ओरिजिनल देखा जाए तो पूरी तरह 100% चाइनीज ऐप, मनोज सारू ये लाइन पहले ही बोल चुके हैं। मैं तुमको और बता दूँ कि भाई ये जो गेम है ये 100% हम नहीं कह सकते कि चाइनीज है, बट कहीं ना कहीं तुम समझ सकते हो कि बनाया चाइनीज ने, तो चाइनीज, ये सिंपल सी बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेंसेंट से ये अपना रिश्ता नाता तोड़ के, मतलब जो भी है उनका वो 10% का सिस्टम है वो सब हटा के ना अपना अलग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। उसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से भी अगर तुम सोचो, जो चाइना का गेम है वो भैया उनको क्यों देगा, उसे चाइना ही नहीं जिसे बनाया है डेवलपर, जब चाइना के तो वो उसे क्यों देंगे, समझ रहे हो। हालांकि ये कहीं भी बैन हो जाए लेकिन चाइनीज वाले क्यों देंगे जब उन्होंने ही उसे डेवलप करा है। हाँ कुछ पैसों वैसों का डील होके कुछ हो जाता है तो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बट भाई अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से गलत होगी हो और उस बंदे ने भी पहले गलत डाल दी हो, भाई उसे भी माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यार ऐसा नहीं है। उस टाइम तुम देखोगे उसने सारा प्रूफ के साथ प्रूफ किया ये चीज़, लेकिन फिर भी गलती हो जाए तो ऐसा मत समझना ना भाई फेक कंटेंट देता है ये बंदा, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारी जानकारी के लिए ही मैंने ये बताया था, क्योंकि इस बात को बहुत लोगों को नहीं पता थी कि ये बात रियलिटी है। उस वीडियो को भी तुम देख लोगे तो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइज, अब इस गेम की बात करते हैं जो गेम मैं अभी खेल रहा हूँ। तो देखो यार, इस गेम का नाम है आइसलैंड लास्ट सर्वाइवल, ऐसा कुछ गेम का नाम है। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बता दूंगा इसका क्या नाम है। देखो मतलब मैं लिख दूंगा वीडियो में ही, कहीं ना कहीं तुम्हें इस वीडियो में बीच में लिखा मिल जाएगा इस गेम का नाम पूरा, जो कि एक, बहुत लोग मेरे से ये भी कह रहे थे, मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे किसी और गेम में कि भाई ये कौन सा गेम है, पीसी पे चलता है या फिर मोबाइल पे चलता है। तो देखो यार, ये टोटली मोबाइल के लिए बना है, 1.5 GB का गेम है, मोबाइल पे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यार, हर प्रकार की चीज़ें होती है, जानवर से लेके गन से लेके गाड़ी से लेके बोट से लेके रिवर से लेके घर बनाने तक का सब कुछ, मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस गेम के अंदर
ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं हो। हालांकि मुझे पता है सब लोग तुम शूटिंग गेम खेल रहे थे, तो इस पे शिफ्ट होने में थोड़ा दिक्कत आएगा। मैं भी शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ क्योंकि इसका कोई फ्यूचर बोले तो कॉम्पिटेटिव में कोई फ्यूचर मुझे ऐसा पता है कि नहीं है इस गेम का। तो देखो यार, कॉम्पिटेटिव की बात नहीं हो रही, एज ए तुम उसके लिए कंटेंट के लिए इसे यूज कर सकते हो। मैंने भी आज डाला है, तुम देख रहे हो मैं ये जो बिल्डिंग बनाया है ये मैंने ही बनाया है। इसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, इसमें सेंसिटिविटी सेटिंग होती है, जायरोस्कोप होता है, बहुत बड़ा मैप है, इसमें हर प्रकार का जानवर मिल जाता है, लॉयन से लेकर टाइगर, हिरन, मतलब खरगोश, मोर वगैरह हर कोई होता है, छोटे से लेकर सब जानवर। एंड यहाँ के जो पेड़ पौधे इन्हें काट के तुम घर भर बना सकते हो, स्टोन, पत्थर, पता नहीं क्या क्या, मतलब मशीन से लेके हर सिस्टम है इसके अंदर। मतलब मैंने जो यहाँ तक देखा है सब कुछ है इसके अंदर। अब ये देखो, ये मेरे घर पे मैं कोड लगा रहा हूँ जिससे कि कोई मेरे घर को चुरा ना ले। हालांकि मैंने इसमें ये घर बनाया है छोटा सा जिसके अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है और मेरा प्लेयर जो है इसी में रहता है। इसमें भी तुम्हें प्लेयर आईडी दी जाती है, टीपीपी वाला गेम है, ग्राफिक एकदम बढ़िया है, थोड़ा चलने में अजीब सा है प्लेयर, बट सब कुछ ठीक है। इसमें गाड़ियाँ, गन्स, जानवर और अपने जैसे ऑनलाइन खेलने वाले प्लेयर भी आई थिंक है इसके अंदर, जो कि मैंने मारे भी थे कुछ प्लेयर्स को, तुम देख लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं। अभी देखो मैं स्टोन को फोड़ूंगा, ये जो मतलब हर प्रकार की इसमें चीज़ें जिन्हें फोड़ के तुम कलेक्ट कर सकते हो और उनसे कुछ भी बना सकते हो। मैं ऐसा भी तुम्हें इसमें घर दिखाऊंगा जो कि काफ़ी विशाल काय बना रखा था एक बंदे ने, भाई मुझे लगा कि क्या ही डिजाइन करा था भाई वो बंदे ने। तुम देख तो देखना आगे चल के, अभी कॉमेंट्री करते इस गेम प्ले की। तो देखो यार, मैं इधर ही नदी के किनारे से जा रहा था, मुझे बोट दिखी, मैंने कहा भाई चला के देखते, क्या पता भाई चल जाए इधर उधर, तो मैं इसमें आके तो बैठ गया। अब मैंने इसको जॉयस्टिक से इधर उधर मतलब बहुत किया भाई, लेकिन इसने भाई एक जगह से हिलने का नाम नहीं लिया। तो देखो यार, बहुत देर हो गई थी, सीट चेंज कर करके थक चुका था मैं, इसको स्टार्ट करता ये बंद हो जाती, और पता नहीं क्या सिस्टम था या क्यों नहीं चली थी वो उस टाइम पे, वो मेरे से नहीं चली। और देखो ये घर किसी और ने बनाया, लॉक लगा रखा है, मैंने वैसे ही पासवर्ड डाल के ट्राई किया था, क्या पता खुल जाए, लेकिन देखो इनकरेक्ट पासवर्ड ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। ये गेम काफ़ी हद तक मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब यहाँ पे एक बंदा बंदूक की गोलियों से भाई पेड़ तोड़ रहा था, तो मैं इसके पीछे गया, मैंने कहा भाई ऐसे काट पीट के बराबर करते और इसकी गन बन छीनते, कहाँ जाएगा हमसे बच के। तो इस बंदे पे गन थी तो मुझे लालच आ रहा था, मैंने गन लूट लेते यार इसकी। देखो यार, इस गेम में गन वगैरह सब कुछ अनलॉक होने में टाइम लगता है। अगर तुम्हें इस गेम के ट्यूटोरियल चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए घर बनाने की, इसमें कैसे सर्वाइव करना चाहिए, किस चीज़ से क्या होता है, तो उसका वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा अगर तुम कहोगे तो। ये गेम का नाम भी मैंने कह ही दिया, तो मैं कहीं ना कहीं डाल दूंगा, उसका कोई इशू ही नहीं है गाइज, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक वीडियो में इसका नाम दे दूंगा। अब देखो ये गन है, एफपीपी, टीपीपी हर तरह से तुम चल सकते हो। स्कोप खोला था अभी, तो मैंने तो स्कोप खोलने पे कुछ इस प्रकार है, एटेक्स वगैरह भी लगते हैं इन गनों पे। अभी ये पता नहीं कोई शॉर्ट गन है, पता नहीं कौन सी गन है, नाम तो मैंने नहीं देखा था ज़्यादा। इसमें सेंसिटिविटी सेटिंग, हीलिंग, मैप, मतलब हर प्रकार की चीज़ें होती है। अभी मैं तुम्हें ये घर दिखाने वाला हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, हर कोई चीज़ ऐसी है इसमें अजीब अजीब, मतलब तुम ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। ये बंदा देखो घर बनाने की यहाँ कोशिश कर रहा था ना, मैं इसको काट पीट के बराबर कर देता हूँ, इसका सामान छीन के भाग देता हूँ। ऐसे इसमें नॉक भी होते हैं, तुम अपने टीममेट को फ्रेंड भी बना सकते हो इसमें। आई थिंक इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट का सिस्टम है, तो शायद तुम्हारे फ्रेंड और तुम मिलकर खेल सकते हो। और ये घर तुम देख सकते हो, किसी बंदे ने भाई क्या ही बना रखा, मतलब भाई कतई मैंने भाई ऐसा घर तो सच बता रहा हूँ किसी गेम में नहीं देखा था भाई। ये जो घर है ना, इनको हम खुद डेवलप कर सकते हैं अपने डिजाइन से, हम किसी भी प्रकार से कुछ भी डेवलप कर सकते हैं इस गेम में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। हालांकि शूटिंग गेम हमें पसंद है, लेकिन ये एक अलग तरह का गेम है। इसमें जॉम्बी भी होते हैं, हर प्रकार के जानवर भी होते हैं, तुमने देखे भी होंगे कुछ जानवर ने अब तक मुझे मार भी दिया होगा। और यहाँ पे देखो, ये पता नहीं कोई अजीब सी एक मशीन थी, मेरे पास पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, मैंने कहा भैया स्टार्ट करते हैं इसको, क्या होता है इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट करा तो मुझे पता चला भाई ये तो पता नहीं क्या ही बनाने लग गई है। तो देखो ये जो मशीन्स होती है, इनसे अपना कुछ काम का ही सामान बनता है, जिनसे हम हीलिंग तो नहीं बट कुछ ना कुछ काम के ही होते हैं। इसमें जो भी तुम्हें बनाएंगे, तुम कुछ भी मशीन गिरी यूज करोगे उसका, कुछ भी बनाओगे तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो मिलेगा उनसे। जो कि इस मशीन में भी मैंने बहुत कुछ डाला था, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, भगवान को पता। अभी तो मैंने भी स्टार्ट ही करा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं बहुत कुछ तो सीख चुका हूँ कि घर बनाना, किस किस चीज़ से घर बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ चाहिए। अब यहाँ पे यार देखो, मैं आया तो ये लड़की पता नहीं मुझे जाल में फंसाने के लिए भाग रही थी, पता नहीं कैसे भाग रही थी। मैंने भैया इसको एक पत्थर का, वो जो होता है मतलब पेड़ वेड़ तोड़ने का, स्टोन फोड़ने का होता है, पत्थर तोड़ने का, मैंने एक मारा ना, ये अंदर भाग गई। अब भैया इसी के कारण मेरे को अंदर जाने का मिल गया रास्ता, तो मैंने कहा भैया अंदर चलता हूँ। और भाई आवाज़ें इतनी खतरनाक आती है ना इस गेम में, एक बारी को तो नॉर्मल दिल वाला इंसान तो भाई मत ही देखना, डर लगता है भाई, सच बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे मिल गया भाई ये ज़ॉम्बी, और इसने भाई
मत पूछो, मतलब मेरे को उड़ा दिया भाई, कर दिया फिनिश। और उसके बाद मैं रिस्पॉन, देखो मेरे घर पे मैंने वो बना रखा है, एक आप बना सकते हो जिससे कि आप वहीं पे रिस्पॉन होते हो तुम्हारे घर में ही बार बार। तो यहाँ पे मैं मेरे घर में फिर से रिस्पॉन हो गया था। तो यही सिस्टम रहता है, एक घर बना लेते हो उसके अंदर सामान रख लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ये बनानी पड़ती है, ये बुड वगैरह सब कुछ, ये एक मशीन है जो कि चलती रहती है। इसी प्रकार से ये गेम चलता रहता है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग। अब देखो यार इस गेम का सारा कुछ मैं तुम्हें बता ही दिया है।